सपना तो बता क्या है तेरा सपना? बारह दुना सौ रुपए का लालच जी देखो आटा गूंथते हुए बाबू फेमस हो गया। अरे वाह फिर तो हो जाएगा धनगढ़ी की सारी लड़कियां आप फिदा है फिर तो। सो हे गाइस वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आई विश कि आप सब कोरोना टाइम पे ठीक होंगे, अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो ये व्लॉग है जो अभी मैंने एंड कराया, इसके बाद दोबारा ये दूसरा व्लॉग बना है, उसी से हिचकी आ रही है। कौन याद कर रहा है पता नहीं, लेकिन बार बार हिचकी आ रही है। तो आज भी काम है जो कि मेरे चाचा के दो लड़के उनका भी नागरिकता ही बनाना है, तो यहाँ पे पहले सिफारिश रिक्वेस्ट लेटर लेना पड़ेगा नगर पालिका से। तो उसके बाद मैं आज धनगढ़ी जाने का प्लान है, तो उसके बाद धनगढ़ी जाके हम क्या क्या करेंगे पता नहीं, वो आपको दिखाएंगे। तो व्लॉग स्टार्ट करते हैं, तो मिलते हैं थोड़ी देर में फ्रेश होके। और अभी जस्ट जगह हूँ तो वाइब्स देख के, मतलब खूबसूरत है, खूबसूरत क्या है इसको वर्डिंग में मैं बयान नहीं कर सकता, सच में कैमरा भी जस्टिस नहीं कर सकता, लेकिन मॉर्निंग ऑसम लाइक यहाँ ग्रीनरी यहाँ पे, मतलब मन करता है इसको ले जाके ना ऐसे हाथ में ले जाके ग्रीनरी को, और ऐसे 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 हाथ में ले जाके अपनी जेब में रख के सीधा दिल्ली ले जाऊँ कि वहाँ बिल्कुल देखने को नहीं मिलता। तरसते हैं वहाँ के लोग देखने के लिए, मसूरी जाते हैं, शिमला जाते हैं, कहाँ कहाँ नहीं जाते इस चीज़ को देखने के लिए। और मैं यहाँ तो मिलते हैं सोफी। ओए लाइट चलो सोफी, ये हमारे यहाँ घर का सोफी डरपोक जो बिल्ली से भी डर जाता है, यहाँ तक कि बारिश के पानी से भी डर जाता है। कितने में? ये 100 रुपए में, 100 रुपए का लालच दिखाई बाबू, 100 रुपए का लालच ये देखो आटा गूंथते हुए बाबू। अरे वाह फिर तो हो जाएगा धनगढ़ी की सारी लड़के आप फिदा है फिर तो। देखो 100 रुपए तो ये भले ठीक है ना, 100 रुपए में 100 रुपए थे हाँ, पहले ये 100 रुपए ये। चाची बना रही है अभी लस्सी। और पहले टाइम पे अगर आपको पता होगा तो उस टाइम पे जैसे जब पुराने हमारे यहाँ कच्ची घर था तो उस टाइम पे हाथों से लस्सी बनाया जाता था। हाथों से उनको लकड़ी एक होती थी, लकड़ी को यहाँ पे अंदर डाल के मतलब डंडे को उसमें रस्सी से बांध कर। तो अगर कोई जाता है अपने गांव की साइड तो उसको पता ही होगा कि कैसे पहले रस्सी बनाते थे। पहले ही इलेक्ट्रिसिटी का मशीन का यूज़ नहीं करते थे, तो अभी हम ये यूज़ करते हैं, टाइम बच जाता है और जल्दी भी हो जाता है। और वैसे स्वाद उसका वैसे वाला नहीं आता जैसे पहले बनाते थे रस्सी के में, रस्सी से बांध कर और डंडे बंदे बीच में डाल के, तो क्या करें। तो कुछ ऐसा किचन है, किचन नहीं है अभी, किचन बन रहा है तो ये रूम ही है एक तरह से, तो अभी इसको सिर्फ किचन के लिए अभी यूज कर रहे हैं। अच्छा सो आई वॉन्ट टू शो यू दिस इज न्योनी कहते हैं, बट ये मक्खन है बटर। तो अभी इस बटर को इस लस्सी के अंदर डालेंगे, मूल बटर भी फेल है इसके अंदर, होममेड बटर जो कि अभी इसी से निकाल के अलग से मक्खन, ये मक्खन अगर दिख रहा हो तो लाइट यहाँ पे, सॉरी लाइट अगर अच्छी तरह नहीं दिख रही, बट ये देखो मक्खन मिलाना चाहती थोड़ा सा, ये मक्खन, ये मक्खन वाइट बटर। एक बार
काम है। तो काम क्या है, इस मिट्टी, ये जो मिट्टी रखी है बलुआ, बलुए को उठा के सीधा हमें बैकयार्ड में रखना है। बैकयार्ड में तो यहाँ से अभी मिट्टी उठा के हम अपने पीछे जो बैकयार्ड है इधर, ये यहाँ पे जो हमने गायें और बकरियाँ बांध रखी है, तो वहाँ पे ज़्यादा ना बारिश की वजह से कीचड़ कीचड़ हो जाता है नीचे फर्श पे, तो इसलिए जो एक्स्ट्रा यहाँ पे बलुआ हमने जो घर बनाने के लिए जो मिट्टी यूज़ होती है तो वहाँ पे हम रख रहे हैं नीचे फर्श पे, कि कोई बंदा अगर आता है तो वो फिसले ना, और काफ़ी कीचड़ कीचड़ सा हो जाता है। तो मिट्टी प्लस ये छोटे छोटे जो पत्थर होते हैं, ये जो पत्थर हैं ये, तो इससे हेल्प मिल जाती है कि स्लिप ना। लास्ट टाइम मैं आया था यहाँ पे सिफारिश के लिए, आज मेरे चाचा का ये बेटा रोहन और वो सामने जो खड़ा बाबू मतलब विशाल नाम है उसका, जिसको मैंने अभी ब्लॉग में देखा था आपने, जब वो आटा गूंद रहा था, हैं 100 रुपए के लिए आटा गूंद रहा था वो। तो ये हमारे यहाँ का कंचनपुर का नगर पालिका है, वार्ड नंबर 10 का। तो ये हमारी बाइक है, एक वो पीछे बाइक है। यहाँ पे आके ना बड़ा मज़ा आता है, पता क्यों? क्योंकि यहाँ की जो रोड है ना, जब मौसम ऐसा होता है गटा वाली, यहाँ सामने ब्लैक कलर का पूरा मतलब ऐसे कलर विद ग्रीन वाइट कॉम्बिनेशन मैच वाला है। तो ये यहाँ पे आए नगर पालिका लेके, यहाँ पे इनकी सिफारिश के लिए, इनको भी नागरिकता बनना है तो बना के यहाँ से सिफारिश लेके सीधा धनगढ़ी जाएंगे, वहाँ पे 2-3 दिन ऐश करेंगे, मजे लेंगे, उसके बाद दिल्ली जाएंगे। सो ये टेरेस में जा रहे हैं, ये हॉल ऊपर टेरेस में जाते के साथ ही फर्स्ट हैंड व्यू, मतलब दिल खुश हो जाएगा आपका, एक बार आप आके नेपाल में विजिट तो करो। ये बाबू चाचा का बेटा और ये यहाँ से व्यू, ये बीन्स का पौधा मीन्स बीन्स उगते हैं यहाँ पे खाने के लिए फ्रेश वेजिटेबल्स। और एक चीज़ और दिखाता हूँ, ये देखो बैंगन होम प्लांट, मतलब अभी इसको तोड़ेंगे नहीं, ये अभी पक गया, ये निकालना इसको भी। भिंडी बोले थे ना, अभी मैंने आपको भिंडी दिखाए थे, अभी मैं भिंडी रखने ही गया था नीचे इसलिए मैंने कट कर दिए। बाबू ऊपर भी तो ये रहा भिंडी, चाकू लेता यार, अरे हाथ से तोड़ दे क्या वो, दे मैं तोड़ू, क्या हो गया तो ये सब हाथ से निकालना मुझे लग रहा है डेंजर होगा, क्योंकि भी हाथ से मैंने निकाला ना ये, तो बिल्कुल से छोटे छोटे देखो कांटे, अगर आपको दिखाऊं ये हल्के हल्के ऊपर कांटे निकले पड़े इनमें, बहुत ज़्यादा चुभ रहे हैं, चाकू से काटता हूँ। तो अभी मैंने जस्ट भिंडियाँ भी नीचे रखी हैं जो अभी हमने काट के रखी थी, तो मैं आपको एक एक करके पौधा दिखाने वाला हूँ कि जो हमने ऊपर टेरेस पे क्या क्या वेजिटेबल्स उगा के रखे हैं, मतलब मैंने तो नहीं, चाची ने, जो अभी ब्लॉग में भी आपने फर्स्ट ब्लॉग में जब मैं आया था इंडिया से तो हाइक कर रही थी, तो वो मेरी चाची है, तो उनका ही ये घर है, तो मैं दिखाता हूँ आपको एक एक करके। तो ये आपने देखा होगा इंडिया में, ये कौन सी सब्जी है बाबू? ये ग्रीन बैंगन है, ग्रीन बैंगन उगते हैं, और ये वाले बीन्स, ये बीन्स, और ये तो ये भी बीन्स होगी, ये देख एक बीन्स वो रखा है, सड़ रखा है मतलब पक्के, हाँ ये आपको दिख रहा होगा, ये बीन्स, ये मतलब खराब हो गया, और एक जो सामने बैंगन मैंने आपको भी दिखाया बैंगन, और एक मिर्च का भी है वो बिल्कुल ही रहा, ये मिर्च, दोनों मिर्च है, ये सामने ये भी मिर्च की है, वो साथ वाला भी मिर्च वाला पौधा है, और छोटे छोटे हो रहे हैं अभी, ये भी छोटे छोटे मिर्ची हैं, बिल्कुल क्लियर
ये देखो गुड फ्रेश और होममेड प्लांट से बनाया हुआ है। और ये धनिया, ये धनिया यार दिल्ली में मेरे ख्याल, क्योंकि मैंने एक बार गया था वहाँ पे, आई थिंक लॉकडाउन में ही है, लॉकडाउन का टाइम था, मैं धनिया लेने गया था, कहीं नहीं मिला, और जहाँ पे मिल भी रहा था बहुत ज़्यादा महंगा मिल रहा था, तो मैंने कहा शायद इसका भी टाइम आ गया, जैसे सबका टाइम आ गया लॉकर में रखने का सब्जी का, इसका भी टाइम आ ही गया लगता है लॉकर में रखने का। तो सामने से व्यू है, आज शायद मेरे ख्याल से मौसम, वैसे यहाँ का मौसम ऐसा बना ही रहता है, घटा बनी रहती है बिल्कुल से, या तो बारिश भी आ सकती है या धूप भी आ सकती है अभी मौसम को कुछ इतना। तो यहाँ पे मैं कुछ फोटोज़ खींचूँगा और कुछ सीन्स का मजा लो आप। तो ये अभी आपने देखे कुछ सस्ते वाले सिनेमैटिक शॉट्स जो मेरे को थोड़ा बहुत आता है। तो यार आप वीडियो देखते हो तो प्लीज़ वीडियो को देखने के बाद शेयर भी कर लिया करो, ये साथ वाले यार इंस्टाग्राम हैंडल को प्लीज़ फॉलो भी कर लिया करो, इतना तो कर लो। आज 122 लोगों की हमारी फैमिली बनी है, तो उस फैमिली को हमें आगे बढ़ाना है। ये नहीं कहूँगा कि ज़बरदस्ती के साथ नहीं, करो 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 करो, वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है आप लाइक कर दिया करो उतना खुश है, सब्सक्राइब कर दिया करो, साथ में लाल वाला बटन आता है ये वाला वो भी कर दिया करो। तो अभी के लिए शाम हो गई है, जाते हैं नीचे और नीचे दिखाता हूँ कि आज क्या बनने वाला है। वैसे मैं ये चीज़ बताना भूल गया था कि क्या है कि मैं जब आया था गांव से उस टाइम मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई, उस टाइम पे मैंने वो आते टाइम कि हम कैसे आए थे तीनों, मेरे भाई, हम, मैं और मेरे दो कज़न जो बाइक में जो मेरे साथ आगे पीछे बैठे हुए थे वो, तो हम आए थे तीनों एक साथ ही, बट बनाया नहीं क्योंकि विजिबल की यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो फ़ोन में इतनी बैटरी थी नहीं तो मैंने बनाया नहीं। तो अब आ गए हैं, तो अभी शाम को ही पहुँचे थे, तो जस्ट अभी मैं रेडी होके नहा धो के अब भी जस्ट मैं ऊपर टेरेस भी आया था और ये सीन देखने के लिए मैं पागल हो गया था। तो प्रैक्टिस हो रही है, आ रही ग्रोथ में आ रहा हूँ, मतलब आई नो कि किसी ने बोला है कि ज़्यादा मतलब अपने आप को मत दिखाएगा ना, ठीक है नहीं दिखाता हमने, व्यूज़ के लिए एक लाइक तो बनता है, एक लाइक तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है, मतलब यार आउट ऑफ द वर्ल्ड, आउट ऑफ द सब कुछ। बाय दोस्तों, जस्ट मैं अभी ना नीचे गया था, जैसे अभी मैंने व्लॉग ख़त्म किया था तो नीचे गया था, और मैं कुछ टाइम के लिए अभी फेसबुक पे लाइव भी आया था, जो जो फेसबुक पे भी आना चाहते हैं मेरे साथ तो कैप्टन जैक फूडी के नाम से पेज है, वो फॉलो कर लेना। और सामने व्यू देखो, मतलब बादल देखो, मतलब अभी शायद कैमरे में इतना कैप्चर नहीं हो रहा, तो ये देखो आप, ये पूरा काले बादल है सामने, मतलब आज धनगढ़ी आधा डूबने ही वाला है, आधा डूबने वाला है धनगढ़ी, ये भी डूबने वाला है, और ये देखो भाई साहब, मतलब